सो हेय व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रवीण सिंघानिया एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और लिटरली हम लोग कहाँ पर, इतना ज्यादा ठंड लग रहा है ना यहाँ पे। क्या मानो भाई, क्या लूट मचा के रखी दलगी। सो हेय व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई एम प्रवीण सिंघानिया एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग बहुत मस्त होंगे, मजे में होंगे, अपने से ग्रोथ करते रहोगे। सो थंबनेल देखिए गाइस, आपको मालूम पड़ गया हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं शिव जी के दर्शन करने। शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है छठे नंबर के भीम शंकर जी, वहां पे जा रहे हैं हम दर्शन करने। इससे पहले भी हमारा एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ है, पर बाहर से हुआ है, औरंगाबाद में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन। और मुझे निकलना था अराउंड 4 बजे के आसपास, और मैंने बाहर देखा तो मुझे ना कुछ ज्यादा ही वो लगा था, अंधेरा अंधेरा टाइप ज्यादा मतलब। तो मैं बोला 1 घंटे लेट निकलेंगे, तो अभी बज रहे हैं 5 AM हो रहे हैं, शार्प 5 बज रहे हैं अभी, और हमारी राइड हो गई स्टार्ट। तो हमें यहाँ से राइड स्टार्ट हुआ है उल्लासनगर से, और हमें अभी मुरबाड़ हाईवे पकड़ के धीरे 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 हम जाएंगे, और उसके बाद हम जहाँ पे लास्ट व्लॉग में गए थे ना मालशेज घाट वाले में, वो क्रॉस करके फिर हमें जाना है। और गाइज अगर किसी ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज देखो, वो व्लॉग बहुत ज्यादा बॉम्ब है। वो व्लॉग मेरा काफी फेवरेट टाइप का व्लॉग है, बहुत टाइम बाद मैंने इतना ट्रैवल किया था, और काफी अच्छा उसमें ब्यूटी शॉट्स वगैरह था, जरूर देखो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से चलते थोड़ा आगे, तो यहाँ पे डॉग्स है ना बहुत पीछे लगते हैं, मैंने हर बार नोट किया है, भगवान मुझे पीछे ना लगे। लास्ट में मैं जा रहा था ना, बाप रे बाप, 6-7 डॉग एक साथ मेरे पीछे आए थे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अभी यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा मालशेज घाट साइड आएंगे, थोड़ा सनराइज वगैरह हो जाए, फिर बात करते। ठीक है, सो हेय व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रवीण सिंघानिया एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग बहुत मस्त हो गए, मजे में हो गए, बड़े अच्छे से ग्रोथ करते रहोगे। सो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और मेरे बहुत बड़ी गलती कि मुझे क्या लगा कि एक अंदर फुल स्लीव टी शर्ट पहनूंगा और ऊपर राइडिंग जैकेट है तो कुछ इतना ठंड लगेगा नहीं, बट बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और अभी हमें राइड करते हुए 2 आवर्स कम्प्लीट हो गए हैं, हमने 5 बजे से राइड चालू किया था, अभी 7 बजे कुछ मिनट होता रहेगा अभी, और हमने फर्स्ट ब्रेक कहाँ पे लिया है ये देखो। वहां से सनराइज हो रहा है मस्त, सो यस हमारा फर्स्ट ब्रेक हुआ है मालशेज घाट पे, और इसके बाद हमें राइड कंटिन्यू करनी है, और उसके बाद अभी हमें बहुत आगे जाना है, हमें भीमा शंकर जी के यहाँ पे जाना है। सो अभी राइड कंटिन्यू करते हैं, व्लॉग भी बने रहो, आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बिकॉज अभी तक मैं रुका हुआ था कि सनराइज़ हो जाए, बट अभी सनराइज़ हो गया और आपको उस खाली में व्यू दिखाते हैं बड़ा क्लोजअप में, एक क्या का हल्का सा ब्यूटी शॉट्स देखो, देन राइड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो। सो आप लोगों से मैं एक बात शेयर करूँ, आपको राइडिंग लाइफ ट्रैवलिंग लाइफ जितनी ही खूबसूरत दिखती है ना, उतनी ही ज़्यादा हमें ना उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेट नाइट पैकिंग करके सुबह जल्दी जल्दी उठ के सनराइज से पहले पहुंचना पड़ता है। बट ट्रस्ट मी गाइस, जब ऐसा कुछ व्यू दिखता है ना तो वो हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। वापस हमारा जर्नी हो गया स्टार्ट, और अभी हम मेन मालशेज घाट का जो व्यू पॉइंट होता है ना वहाँ पे हैं, और यहाँ से ना गाइस आई स्वेयर ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, और अगर कोई ये व्लॉग देख के इसे आने का प्लान कर रहा है, चाहे वो मालशेज घाट साइड हो चाहे भीमा शंकर साइड हो, प्लीज़ अपने साथ गर्म कपड़े लेके आओ, बिकॉज ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। मुझे ना कब से चाय पीने का मन कर रहा है, बट यहाँ पे कोई होटल चालू है ही नहीं, बिकॉज अभी अर्ली मॉर्निंग हो रहा है, बट ट्राई करते हैं कि हमको होटल मिले वहाँ पे, 2 मिनट रुके चाय वगैरह पिए, बिकॉज ठंडी सच में बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे अभी भाई। तो इतनी ज़्यादा ठंडी है ना कि एक छोटा सा चाय ब्रेक के लिए मैं रुका हूँ अभी, और लिटरली हम लोग कहाँ पर, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है ना यहाँ पे यार।
रॉकेट जा रहे हैं। चाय पे निकाल के मजा आएगा यहाँ पे। अभी चाय पे पी के आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है भाई। मेरा तो एक चीज़ फिक्स हो गया है, मैं मालशेज घाट कभी भी आऊँगा ना, ये दीदी के पास ज़रूर आऊँगा। दीदी इतनी ज़्यादा प्यारी है ना, उनको मैंने उसके बाद रिक्वेस्ट किया, मुझे बहुत ठंड लग रही, मुझे प्लीज़ चाय बना दो, पिला दो फटाफट बना के। उनका होटल ही चालू होने का टाइम था भी नहीं, बट उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट करने पर मेरे को अदरक वाली चाय पिलाई और एक वेफर भी खिलाया। सो यहाँ पर ना ऐसे माउंटेन्स में ना ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनको पता है लोग टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर हैं, तो वो हेल्प नहीं करेंगे तो कोई और उनको हेल्प करने के सामने रहेगा नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और मैं एक कस्टमर तो दीदी के पास फिक्स हो गया हूँ, मैं कभी भी आऊँगा मैं ज़रूर यहाँ पे एक बार आके मिल के जाऊँगा उनसे। और अभी ना ऑलमोस्ट 40 से 50 किलोमीटर ऐसी हमें क्लाइमेट, ऐसे ही हमें सब व्यू दिखने वाला है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये फटाफट जर्नी कंप्लीट करके फिर मैं आपसे कहते हैं ना ब्रेक लूँगा नाश्ते के लिए, और फिर आपसे बातें करूँगा। बिकॉज़ ना मैं भी बहुत सारी चीज़ें न्यू न्यू एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी, ये ना ऐसा फर्स्ट टाइम है कि मैं विंटर राइड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये हमारा राइड 6 घंटे वन वे का चलने वाला है विथ ब्रेक, तो ना मुझे आगे आपसे बहुत सारी बातें शेयर करनी रहेंगी, तो मैं सीधा भी आपसे किधर ब्रेक लूँगा और वहाँ पे मिलूँगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहो। तो भाई फाइनली अभी ब्रेक लिया है, अभी मैप में और दिखा रहा है 40 मिनट लगेगा, मैं बहुत थक गया हूँ, पता नहीं क्यों ठंडी इतनी लग रही है ना आज, बाप रे बाप। सो गाइस हमारा नाश्ता करके खो गया है, और ना मुझे यहाँ की एक अच्छी बात पता है क्या लगी है, कि जैसे मैं बाकी हिल स्टेशन गया हूँ ना, माथेरान, लोनावला, महाबलेश्वर, तो वहाँ पे जो खाने की चीज़ें होती है ना वो बहुत, वो रहती नॉर्मल है हाँ, वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे कि मसाला डोसा ना मैंने खाया है बहुत जगह, 180 180 का, 200 200 का, मतलब ऐसा खाया है, और नॉर्मल जैसा, मतलब कुछ इसमें खास नहीं या कुछ साइज में डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं। पर जब से मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, मैं जब से चाय पी थी ना वो चाय भी 10 की थी, और वेफर 5 वाला भी 5 का ही था, बाकी जगह ना 5 वाला वेफर 15 15 20 20 का बेचते हैं। और यहाँ पे मैंने मसाला डोसा खाया और एक कॉफ़ी पिया, तो मसाला डोसा सिर्फ 60 रुपये का था, और कॉफ़ी 30 रुपये जो नॉर्मल चलती है वही चार्ज था। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ना ऐसा मतलब प्राइस ज़्यादा नहीं लेते वो, ये चीज़ अच्छी लगी इधर की। और अभी ऑफलाइन मैप चालू है हमारा, और अभी और 21 किलोमीटर दिखा रहा है, चलते फटाफट, थोड़ा वहाँ पे पास पहुँचूँगा ना तो मैं वीडियो वापस चालू करूँगा कि आपको वहाँ का व्यू सब चीज़ दिखाने के लिए, क्योंकि अभी 20 किलोमीटर से सिर्फ रास्ते चलने वाले हैं, तो वहाँ चलता हूँ आपसे फिर आराम से मिलता हूँ। गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, अभी 5 किलोमीटर ही बाकी है, और ना पीछे पीछे मेरे से ये टोकन टाइप लिया गया, पीछे ना ऐसा शायद व्हीकल का है कि 20 रुपीज़ में से लिया गया। और अभी हम जहाँ पे चल रहे हैं ना, मतलब ये रूट पे साइड साइड में ही ना यहाँ पे वाटरफॉल्स टाइप और एक छोटे छोटे रिवर्स बहते हैं, मालूम है मानसून में, अभी मैं देखा पूरा सूखा सूखा पड़ा है, मतलब मानसून में यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और साइड में ऐसे रिवर टाइप बहते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। हर हर महादेव। इधर ही पे करना पड़ेगा क्या, बाहर पे करके है ना 20 रुपीज, बाहर मैंने भी पावती कटा के आया 20 रुपए का, तो किस चीज का पावती था फिर, और ये
तो फिर दो दो बार पावती क्यों कटेगी भाई? ये कितने का पावती है? तो वो किसका पावती था जो गेट पे काटे उधर पे? गाड़ियों कुछ भी देख रहे हो तुम करोगे ना? हाँ हैंडल लॉक है, बाकी ध्यान दो ठीक है फिर। अच्छा क्या मानू भाई, क्या लूट मचा के रखी इधर अलगी, हर जगह अलग 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 पावती कटेगा क्या? सो हे गाइस, फाइनली हम पहुंच गए। अभी मंदिर की पार्किंग में हूँ मैं यहाँ पे, और ये मंदिर में हमें अभी 230 समथिंग को सीढ़ियाँ उतर के जानी है, तो वो सब आपको दिखेगा नेक्स्ट व्लॉग में। और इसी में हम कवर इसके नेक्स्ट व्लॉग में हम कवर करेंगे यहाँ के रिवर्स, यहाँ के कुंड और यहाँ का टेम्पल, और यहाँ के बारे में सब नॉलेज हम लोग लेंगे। सो आई होप आपको ये मेरा राइड वाला वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लव यू एंड पीस आउट। और हाँ, इसका सेकेंड पार्ट देखना ठीक है। चलो लव यू, पीस आउट।